गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एलोरा गुफा घूमने के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे कि आपको यहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, आपको यहाँ खाने की क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए, और इसके साथ ही जानेंगे कितना बजट आपको आने वाला है इस ट्रिप में। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ एलोरा केव्स के बारे में बात करने वाली हूँ। अजंता केव्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, एलोरा गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित यूनेस्को की एक विश्व विरासत स्थल है। एलोरा केव्स औरंगाबाद के उत्तर पश्चिम में लगभग 29 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुफा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट मठ मंदिरों गुफा परिसरों में से एक है। इसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित स्मारकों की विशेषता और कलाकृति देखने को मिलती है। और दोस्तों, बात करें अगर आपको यहाँ कैसे पहुँचना है, तो आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी साधन का चुनाव करके यहाँ पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद का है और यहाँ से एलोरा की गुफाओं की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। औरंगाबाद हवाई अड्डे पर पहुँचने के बाद आप यहाँ से बस या टैक्सी की मदद से गुफाओं तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको बता दें कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन मुंबई और पुणे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और जलगांव रेलवे स्टेशन एलोरा का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों, अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो औरंगाबाद अजंता से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है और एलोरा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अजंता एलोरा की गुफाओं तक पहुंचने के लिए आप स्थानीय टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या फिर राज्य परिवहन द्वारा संचालित की जाने वाली बसों से अपना सफर तय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। दोस्तों, यहाँ पे औरंगाबाद में आपको लो बजट से लेकर हाई बजट होटल्स आराम से मिल जाएंगे, आप अपनी सुविधा अनुसार अपना होटल चुन सकते हैं। और अगर बात करें हम यहाँ के कुछ फेमस होटल्स और रिसॉर्ट्स की, तो एलोरा हेरिटेज रिसॉर्ट, हिरण्याक्ष रिसॉर्ट, होटल कैलाश, होटल साईं, राजमाता रिसॉर्ट और विवांता यहाँ के कुछ फेमस रिसॉर्ट्स हैं। और दोस्तों, बात करें अगर हम यहाँ के खाने की, तो यहाँ आपको उत्तर भारत और हैदराबादी व्यंजनों का स्वाद चखने को मिल जाएगा, क्योंकि औरंगाबाद पे एक टाइम पे मुगलों और निज़ामों का शासन हुआ करता था। और यहाँ के प्रसिद्ध नवाबी बिरयानी या सुगंधित पुलाव को आप एक बार ज़रूर चखिएगा। यहाँ मांसाहारी भोजन की अधिकता है, लेकिन आपको यहाँ वेज खाना भी आराम से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ घूमने की। तो दोस्तों, एलोरा केव्स में 100 से अधिक गुफाएं हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 34 गुफाएं सार्वजनिक रूप से पर्यटकों के लिए खुली हुई हैं। इन गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से 34 तक की गुफाएँ जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एलोरा की सभी गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों, एलोरा की गुफाओं में दर्शनीय कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में सबसे बड़ा रॉक कट प्राचीन हिंदू मंदिर है और इसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि यहाँ की 34 गुफाओं में से 16वीं गुफा में स्थित है। और दोस्तों, यहाँ कैलाश मंदिर से 350 मीटर की दूरी पर गुफा नंबर 12 के पास आप रावण की खाई भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, इन प्रसिद्ध गुफाओं में शामिल विश्वकर्मा गुफा, जो कि 10वीं गुफा है, ये बौद्ध गुफाओं में से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और दोस्तों, कैलाश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर गुफा संख्या 32 में आप विजिट कर सकते हैं इंदिरा सभा, जो कि एक जैन गुफा है। और दोस्तों, इंद्र सभा के बगल में ही गुफा नंबर 33 में आप विजिट कर सकते हैं जगन्नाथ सभा। और दोस्तों, कैलाश मंदिर से 600 मीटर की दूरी पर गुफा संख्या 11 में आप विजिट कर सकते हैं दोताल गुफा। और दोस्तों, तीन ताल गुफा आप विजिट कर सकते हैं गुफा संख्या 12 में, जो कि एलोरा या पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मठ परिसर है। और दोस्तों, यहाँ के रामेश्वरम गुफा भगवान शिव को समर्पित है। इस गुफा में भोलेनाथ की एक लिंग के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, गुफा संख्या 15, जिसे दशावतार गुफा के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ पे भी आप भगवान शिव और भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ की गुफा संख्या 17, 19 और 20 भी भगवान शिव को समर्पित है। और गुफा संख्या 25 को कुंवरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान सूर्य को दर्शाया गया है और जिनके रथ को 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। और दोस्तों, गुफा संख्या 28 एक चट्टान के नीचे है, जिस पर एक धारा प्रवाहित होती रहती है। इस खूबसूरत झरने को सीता की नहानी भी कहा जाता है। और दोस्तों, बात करें अगर एलोरा गुफा की टाइमिंग्स और एंट्री फीस के बारे में, तो ये गुफाएं 24 घंटे खुली रहती हैं और इन गुफाओं में प्रवेश के लिए भारतीयों के लिए 10 रुपये का शुल्क है और विदेशी पर्यटकों के लिए 250 रुपये का शुल्क है। और अगर आप अपना वीडियो कैमरा भी लेकर अंदर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 25 रुपये अलग से देने होंगे। और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। और दोस्तों, एलोरा गुफा से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह दर्शनीय हिंदू मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वेरूल गाँव में स्थित है। शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसे एक माना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी के दौरान छत्रपति शिवाजी के दादा मालोजी राजे द्वारा किया गया था।
इसके साथ ही दोस्तों एलोरा गुफाओं से 4 किलोमीटर की दूरी पर आप विजिट कर सकते हैं शेख जैनुद्दीन की दरगाह, और इसी दरगाह के परिसर में आप विजिट कर सकते हैं औरंगजेब का मकबरा। और दोस्तों एलोरा गुफाओं से ही 3 किलोमीटर की दूरी पर आप विजिट कर सकते हैं श्री भद्र मारुति मंदिर, जो कि हनुमान जी को समर्पित है। और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति का चित्रण सोने से किया गया है, और इस मंदिर में आप पवन पुत्र को विश्राम की अवस्था में देख सकते हैं। और दोस्तों अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको यहाँ के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। तो दोस्तों 2 से 3 दिन आपको अजंता और एलोरा दोनों कवर करने के लिए पर्याप्त रहेगा, और दोस्तों अक्टूबर से फरवरी तक का टाइम सबसे अच्छा रहता है यहाँ विजिट करने के लिए। और दोस्तों बात करें अगर हम बजट की, तो ऑन एन एवरेज आपको 2 से 2500 रुपये प्रति व्यक्ति एक दिन का खर्चा आ जाएगा, और इसमें मैंने आपका फ्लाइट, ट्रेन या बस, आप जिस भी साधन से यहाँ पहुँचे हैं उसका किराया इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपका होटल, खाने पीने और घूमने का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप यहाँ ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो हमें कमेंट करके हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिए, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग ट्रैवल वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।